हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ सीक्रेट जो, और वो क्या सीक्रेट है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो सीक्रेट ये है कि मेरे पास कुछ आया है, ये क्या है मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ ये क्या है। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में जब तक कि मैं इसे अनबॉक्स ना कर लूँ। तो देखिए, देखिए ये है बोया बाई वन एम वन रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर। यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये सस्ता और बहुत ही अच्छा है, ये जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ फिर से, और मुझे क्या, हर यूट्यूबर्स को इसकी बहुत ही अधिक ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मुझे ये मंगवाना बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत बहुत महसूस कर रहा था। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से अमेज़ॉन वाले ने इसे पैक किया है, मैं इसकी पैकिंग आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और ये है वारंटी कार्ड। चलिए देखते हैं, देखिए कितने अच्छे से एक लेदर बोल सकते हैं, लेदर के एक थैली में इसने डाला हुआ है, जैसे थैली हम लोग पूजा में बनाते हैं ना, वैसी थैली के साथ। देखिए आप, तो देखिए दोस्तों मैं इसे अनबॉक्स कर चुका हूँ। अब इतने सारे मटेरियल इसके अंदर थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है मेरे पास जो मुझे बोया से मिला है। ये दोस्तों मिला है यहाँ पे एक क्लिप जो पूरी तरीके से ये मेटल से बना हुआ है, और इसका ये भाग प्लास्टिक का है क्योंकि ये एडजस्टेबल है, और ये अगर प्लास्टिक का नहीं होता तो एडजस्ट नहीं होता। ओरिजिनल माइक यहाँ पे है दोस्तों, तो इसी में इसको एडजस्ट करना है, इसको आपको थोड़ा सा पुश करना होगा, थोड़ा सा पुश कीजिएगा, देखिए आवाज़ भी आया इसमें से, और ये हो गया फिक्स। तो फिक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ये दिया है इसको, ये जो बना हुआ होता है पता नहीं किस चीज़ का बना है, लेकिन इसको ये कवर करने के लिए, ताकि इसमें डस्टिंग भी ना हो, ये आपके बैक साउंड को ये कवर कर ले। तो बहुत अच्छे से मैंने इसे पैक कर दिया है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसको खोलना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक रिबन, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट कर, देखिए एक रिबन है यहाँ, ये बैटरी यहाँ पे लगता है, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है एक बैटरी, जो बैटरी इसी के साथ दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिबन है, इस रिबन को आपको कर लेना है बाहर और आपको खींचना होगा इसे, ये देखिए बाहर आ चुका। तो फिर क्या करना होगा इसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबन को करना है आपको अंदर, क्योंकि अगर आप नहीं अंदर कीजिएगा तो जब बैटरी, छोटा सा बैटरी आता है, दोबारा जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए बैटरी यहाँ पे मिला है, ये बैटरी है LR44+। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे इंसर्ट करना है। तो प्लस और माइनस यहाँ पे बने हुए हैं, प्लस ऊपर में है, यहाँ भी प्लस ऊपर में शो कर रहा है, तो आपको ऊपर साइड लगाना है। तो आपको बड़ी इजीली, देखिए रिबन, याद रखिएगा रिबन नीचे होना चाहिए ताकि आसानी हो जब डिस्चार्ज हो जाए बैटरी निकालने में। देखिए थोड़ा सा पुश कीजिए, अब देखिए यहाँ पे ये रिबन निकल गया, देख सकते हैं कि ये रिबन निकला हुआ है, इसको जब डिस्चार्ज हो जाए बैटरी तो हम इसे खींचेंगे तो बड़े आराम से ये बैटरी आ जाएगा वापस। तो मैंने इसे कर दिया इंसर्ट, और फिर कर रहा हूँ मैं इसे पैक फिर से। तो ये लीजिए दोस्तों आपका ये बोया बाई वन माइक हो गया है रेडी, और ये कोड है, ऑक्स कोड कहते हैं इसे, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये 20 मीटर लंबा तार होता है जो बहुत काफ़ी होता है, और इसकी जो ये शायद गारंटी के लिए दिया हुआ होता है, कि ये बताता है कि ये गारंटी कार्ड है, और इसमें गारंटी के लिए एक और भी कार्ड दिया हुआ है जिसमें आप ये कोड बार भी यहाँ दिया हुआ है, इसको इसे आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं इसकी कि ये कितना सही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें पूरा गारंटी का ये कॉलम बनाया हुआ है, गारंटी कार्ड है ये। और इसका आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर
कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सही है या फेक है या ओरिजिनल बोया बाय वन माइक है। तो देखिए यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, आप स्टिकर को निकालिए, आराम से निकल गया। इसके अंदर दिया हुआ है आपका कोड बार, इस कोड बार को आपको स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन कीजिएगा यहाँ पे खुल जाएगा आपका सारा डिटेल, खुल जाएगा जो भी डिटेल सर ये ओरिजिनल है या नहीं है उसके बारे में सारा डिटेल खुल जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कोड नंबर, उस कोड नंबर को बस आपको वहाँ पे फीड करना है, आपको सब कुछ दिख जाएगा ये सही है या नहीं। बात बता देना चाहता हूँ कि इससे क्वालिटी आपकी यूट्यूब की जो आप वीलॉग बनाते हैं इसकी बूस्ट कर जाती है, ये बहुत ही क्वालिटी को बूस्ट कर देता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो अधिक पैसे लगा कर के वायरलेस माइक खरीदते हैं, लेकिन छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहला हर हर यूट्यूबर इसे ही ख़रीदता है क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल है, इसका जो वर्किंग कैपेसिटी है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ही अच्छी पाई गई है, इस वजह से लोग इसे लेना पसंद करते हैं। बड़े यूट्यूबर्स भी आज भी माइक वायरलेस माइक यूज़ करते तो हैं लेकिन साथ में इसे कभी नहीं छोड़ते क्योंकि ये बहुत ही इजिली वर्केबल है, अच्छे से वर्क हो जाता है, इस वजह से लोग इसे आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप इसे ज़रूर कमेंट में बताएं लिख करके, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।